यह गजल है जो मैंने उज्जैन में लिखी थी। राह तो एक थी हम दोनों की, राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए। राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, जो हम तो लुट गए पिट गए, लुट गए पिट गए, आप जो राजभवन में पाए गए। किस लीला युग में आ पहुंचे अपने सदी के अंत में हम, किस लीला युग में आ पहुंचे अपनी सदी के अंत में हम, नेता जैसे घास फूस के रावण खड़े कराए गए। जितना ही लाउड स्पीकर चीखा उतना ही ईश्वर दूर हुआ, जितना ही लाउड स्पीकर चीखा ईश्वर उतना ही दूर हुआ, ईश्वर अल्लाह दूर हुए। उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए, उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा, बहुत मूर्तियां भारत से बाहर चली गई हैं, बहुत सी मूर्तियां उन जगहों की हैं, उन स्थानों की जो हैं, जो अब जंगल के अंदर आ गई हैं, जंगल बड़ा आया है। और लेकिन उसमें बहुत सी कलापूर्ण मूर्तियां थीं, अब भी हैं, जो बची हुई हैं। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा और गाहक अमेरिका में, दान दक्षिणा लाखों डॉलर, गुप्त दान करवाएगा। यह हमारी संस्कृति और कला की परंपरा की एक झांकी छोटी सी है, ये व्यापक है पूरे देश में, मगर ये झांकी कुछ कहती है कि ऐसा तो पहले नहीं था। दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाय, गोद के बच्चे जो फिल्मी गीत सीख रहे हैं उनको पता नहीं इसका क्या अर्थ है, तो क्यों उनको गाना बजाना चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात का यहाँ इसमें जिक्र किया है और ऐसे अनेक जगहों में देखा मैंने। दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाय, दादी बैठी मूड़ हिलाए, हम किस युग में आए। गीत गजल है फिल्मी लय में, शुद्ध गलेबाजी शमशेर, गीत गजल है फिल्मी लय में, शुद्ध गलेबाजी शमशेर, आज कहाँ वो गीत जो कल थे गलियों गलियों गाए गए।